बहुत ही बेसुरे हो तुम तो। हाँ क्यों नहीं खेल रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केटी व्लॉग्स। नमस्कार, आपका मैं पुनः स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल केटी व्लॉग्स पर। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे व्लॉग को देखने के लिए ज़रूर निकालिए। तो आज है वसंत पंचमी, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज माँ सरस्वती की पूजा होती है, तो अभी मैं रेडी हूँ नहा धो के, और पूजा करने में जा ही रही थी तो मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। तो आज सुबह एक और प्रोसीजर किया मेरी मम्मी ने कि आँख खुलने से पहले पीली मिठाई लगाई थी सिर में, तो अब सोते सोते तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर नहीं सकती। तो मैं जस्ट बता रही हूँ कि हमारे यहाँ ये रिचुअल भी फॉलो करते हैं, अगर आपके यहाँ भी करते तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं लोग, नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हमें काम करते करते थोड़ा लेट हो ही गया है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारियाँ कर ली हैं पहले से ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फूल वगैरह रख लिए हैं। थोड़े से फूल बचे थे क्योंकि हमारे फूल जो हमने बचाए थे आज के लिए वो आंटी लेके गई, क्योंकि उनके वहाँ महाविद्या पाठ का आज आखिरी दिन है, तो हमने सोचा भगवान तो हर जगह एक ही है, चाहे फूल वहाँ चढ़े चाहे यहाँ चढ़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किताबें भी रखी हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि सरस्वती माता की पूजा होती है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रखे हैं जो, तो ये भी रखे जाते हैं आज के दिन, इनकी भी एक अहम भूमिका है आज के दिन में। तो गांव में देखा होगा आपने ऐसे वाले फूल और जो को गोबर में ऐसे लगाते हैं अपने दरवाज़ों पे, तो वो रिचुअल हमारे गढ़वाल में फॉलो होता है। तो चलो पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि माँ सरस्वती हमसे प्रसन्न हो और हमें सद्बुद्धि दे। तो Let's do puja. Om Gajananamurti Ganadishivitam Kapit Jambu Falchar Vakshan Umashuram Shok Vinashkarakam Namah Vighneshwar Pad Pankajam तो पूजा हो चुकी है समाप्त। और ये हमने यहाँ पर भी तुलसी माता पे भी हमने दिया जला दिया है और पानी चढ़ा दिया है। और ये देखिए ये हमारा टू मौसम देख सकते हैं आप, आज का बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल साफ़ आसमान है। दो तीन दिन से बादल थे लेकिन आज बिल्कुल साफ़ आसमान है देहरादून में। तो आज पीली पिठाई लगाते हैं, तो हमने पीली पिठाई लगा दी है। वैसे तो कपड़े भी पीले पहनते हैं बट मैंने पहने नहीं। तो अब थोड़ा किचन का काम करते हैं, थोड़ी मम्मी की हेल्प करते हैं। तो ये देखिए गांव में तो फूल और ये जौ को गोबर के साथ एकदम लगा देते थे दरवाज़ों पे, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं वो सिस्टम, तो मम्मी ने जौ थोड़े इस तरीके से अटका दिए।
क्योंकि अपने रीति रिवाज भूलने नहीं चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए। और ये हमारा टोजो पता नहीं क्या मांग रहा है हमसे। तो ये हमारी माता जी और मम्मी बना रही है पकौड़ी। किस चीज़ की? दाल की पकौड़ी। तो हमारे चमोली में तो ऐसे थिपड़े, मतलब ये गोल गोल बनाते हैं, लेकिन कई जगह पे वो फ्लैट करके भी बनाते हैं। खैर हम भी बना सकते हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो ओरिजिनली हमारे यहाँ बनाए जाते हैं दाल के पकौड़े, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं चमोली। हाँ, तो ये वाले पकोड़े मैंने बनाए हैं, गोल वाले ट्राई किए हैं मैंने, तो मतलब मैंने पहले भी बनाए हुए हैं बट दिल नहीं था इस बार, बाकी तो बना दिए, देखते हैं कैसे होते हैं। तो ये मैंने भगवान जी के पास भी रख दिया, ये पितृ देवताओं के लिए, और ये है भगवान जी के लिए। तो ये है हमारा खाना, रोटी, ये है कद्दू की सब्जी, वो जो लम्बा वाला कद्दू आता है, और ये है न्यूट्री और आलू की सब्जी कल रात की, और ये पकौड़ी, और ये है गाजर का हलवा, ये भी कल रात का है जो मैंने बचाया था, क्योंकि गाजर का हलवा बासी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये है हमारी टी, स्पेशल टी होती है मेरी, नॉर्मल टी नहीं पीती मैं, और पूरी हमने नहीं बनाई क्योंकि गले में थोड़ा दर्द भी है, और ये है वाटर। तो हमने खाना खा लिया था और बर्तन भी मैंने धो दिए थे, उसके बाद अभी हम रेडी हो चुके हैं थोड़ा जाने के लिए बाज़ार तक, जोगीवाला तक जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और ये मेरी मम्मी, ये भी तैयार हो रही हैं, तो हम चलते हैं और बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुँच गए हैं लिंगवाल ज्वेलर्स जोगीवाला में। तो हम आ गए हैं यहाँ अंदर और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरीज रखी हुई हैं, आप गेस करना हमने क्या ख़रीदा होगा। और यहाँ पर बच्चे आ रखे हैं अपने नाक और कान छिदवाने के लिए, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन बहुत शुभ माना जाता है ये। कुछ बच्चे तो बहुत रो रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और मेरे को अपने दिन याद आ गए कि जब हमने कान और नाक छिदवाए थे वसंत पंचमी के दिन। तो आपने कब छिदवाए अपने कान और नाक, ये ज़रूर बताना। तो अभी 1:30 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और आप गेस कीजिएगा कि हमने क्या लिया, क्योंकि मैं तो नहीं बता रही हूँ, और गेस करके कमेंट में बता दीजिएगा क्या हो सकता है। तो अभी हमारे पड़ोस में, जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, महाविद्या पाठ करवाया था उन्होंने, तो आज लास्ट दिन है, तो वहाँ हम जा रहे हैं खाना खाने, तो हम ऐसे ही तैयारी हैं, तो हम चल रहे हैं सीधे वहाँ। तो यहाँ पे कुछ लोग खाने लग गए और हमारी बारी अब है। तो ये हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और सबसे पहले हमें मिला पत्तल, उसमें ये मिक्स वेज पापड़, पानी, और हमें दो दोने मिले थे उसमें अलग अलग चीज़ें रखने के लिए, और ये एक में था रायता, फिर एक में था हलवा, और ये हमें मिल गया है छोले और सैलेड और पूरी। तो हम आ गए वापस, तो अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उठूँगी, तो तब मैं बताती हूँ आपको जो जो होता है। थोड़ा आराम करके मिलते हैं। हेलो गाइस, वी आर नॉट सिंगर बट वी ट्राइड टू सिंग अ पहाड़ी सॉन्ग ऑन द ओकेजन ऑफ बसंत पंचमी। चलो चलो स्टार्ट। आई पंचमी माँ की बड़ी हरियाली जो की, आई पंचमी माँ की बड़ी हरियाली जो की, आयु में चैत को बालू बदे पंचमी माँ की बड़ी हरियाली जो की। अच्छा था, अभी सुनते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया है और अब 6 बज रहे हैं शाम के, और मैं अपने टोटो के साथ थोड़ी सी खेली करूँगी। यह हमारा है टू। हेलो गड्डो, हेलो गड्डो। तो अभी तक ट्यूशन के बच्चे आए हुए थे तो इसलिए बांध के रखा होता, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। ये वैसे फ्रेंडली है ये नेचर का, बट ऐसे कूदता है खेलने के लिए तो बच्चे नहीं संभाल पाएंगे, बड़ा है ना ये। तो मैं इसके साथ खेलती हूँ। के अलग अलग तरीके के खिलौने रहते हैं। देखो आज इसने ये बॉटल पकड़ी हुई है। कभी इसका खिलौना रहता है जो नारियल पानी का बाहर का वो रहता है वो, कभी वो फुटबॉल के। तो हाल देखो आप, इसने इतने बुरे कर दिए ना, ये फुटबॉलर है, ये पिछले जन्म में फुटबॉलर रहा होगा। देखो थोड़ा इसके साथ छत में खेलती हूँ, फिर इसे वॉक पे ले जाती हूँ। अभी देखना है खुद आएगा मेरे पास। ये देखो हाँ, क्यों नहीं खेल रही। तो वॉक से आने के बाद हमने धो लिया है अपना मुंह, और अब हम करेंगे थोड़ा स्किन केयर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हमने लगाया सीरम, देन मॉइस्चराइज़र, एंड उसके बाद हमने थोड़ा लगाई अंडर आई क्रीम एंड देन वैसलीन। तो हो चुके हम रेडी। तो ये हो चुकी है हमारी माता जी की पूजा, और हम ज़रा आशीर्वाद ले लेते हैं माता जी से। और ये है आज का प्रसाद। ये देखो, ये हमारा चोर टूजली, ये यहाँ से चुराने की कोशिश कर रही है। ये फ्रेंड, ये देखो, ये मैं टोजो को डांट रही हूँ। इसने ये फाड़ा, ये पॉलिथीन, ये थैला, और ये देखो ये छुप रखा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा। नो टोजो, आप तो दिख ही नहीं रहे हो। ये टोजो डर गया, अब इसे बाहर जाना है कि मैंने गलती कर दी। अब समझ आ रहा है इसे। ये देखो, आपने किया, ये आपने किया, ये थैला आपने फाड़ा। मम्मी पे देख रहा बस पना चाहिए इसे किसी की। ये देखो, ये टोजो की मांगने की निंजा टेक्निक। बस चला गया। अब हम गूंथते हैं आटा और मम्मी बनाती है भुजी। ओ मट्टी, मम्मी मारती है चाटा। ओ मट्टी, मम्मी मारती है चाटा। तो टाइम 8:30 हो रहा है और हम खा रहे हैं अपना डिनर। तो डिनर में आज है आलू गोभी मटर और गाजर की सब्जी। आलू भी है मम्मी इसमें? आलू नहीं है, मटर गाजर और गोभी की सब्जी है, मिक्स वेज टाइप। तो खाते हैं हम, और खाने के बाद हम सो जाते हैं। तो उसके लिए हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, तो इसीलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।